प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए, यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा। तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है। ऐसा तो लग रहा है वो खुद ही समाप्त हो रहा है। जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका कहाँ। इतना अच्छा काम है तो देश में करा ना ले, काहेला मोदी जी मना कर देते हैं, काहेला इनके मंत्री सब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं हम नहीं कराएंगे, करवा ले। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। तेजस्वी यादव का केंद्र की सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जब से जारी की गई है तब से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि ये आंकड़ा जो है वो गलत पेश किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए दिखे हैं। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुने। बिहार मॉडल की तरह तारीफ हो रही है। हाँ नहीं नहीं, तो हर जगह होना ही चाहिए, पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है। कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी, लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएँ बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए, यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा। तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है, तो ये सारा पता होना चाहिए। उसी हिसाब से तो सरकारें जो हैं वो काम करेंगी। तो प्रियंका जी ने जो बोला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। उन्होंने इस बात को जब पटना आए थे तो उन्होंने हुंकार भैया कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। अब ऐसा तो लग रहा है वो खुद ही समाप्त हो रहा है। जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका कहा। आपका नाम ले, अभी फिलहाल में ही अगर देख ले तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया, तो कोई इनके साथ है कौन? ना देश की जनता है, ना क्षेत्रीय दल है, ना कोई है। और क्षेत्रीय दल स्टेट है तभी ना सेंटर है भाई, जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो सेंटर किस बात का। अच्छा, बिहार में बीजेपी सर क्रेडिट ले रही है, जो आप लोगों ने कास्ट सर्वे कराया उसका करिए कि हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। हम लोग सरकार में थे इसीलिए हुआ है, हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। इतना अच्छा काम है तो देश में करा ना ले, काहेला मोदी जी मना कर देते हैं, काहेला इनके मंत्री सब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं हम नहीं कराएंगे, करवा ले। तो आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुना, जो कि ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, तो अगर स्टेट नहीं रहेगा तो केंद्र कैसे होगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कास्ट सेंसस पे ये लोग जो अपना नाम दे रहे हैं अगर इतना ही है तो केंद्र से करवा ले कास्ट सेंसस। हम लोग कास्ट सेंसस इसलिए कराए हैं ताकि साइंटिफिक डेटा जो है वो एकत्रित हो सके, समाज के लोग का उत्थान नहीं हुआ, इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए बिहार में जो है कास्ट सेंसस हुई है, जिसपे तेजस्वी यादव एक बार फिर से बयान देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमको तो ये लग रहा है कि अब बीजेपी का ही सफाया होगा, यानी कि एनडीए का जो कुनबा है उसका सफाया हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।